जाहिर है मैं अपनी मर्जी से जीती हूँ। तुम जलस हो रही होगी? नहीं, मुझे रहम आ रहा है तुम्हारे ऊपर। हालांकि काबिले रहम तो तुम हो। महके में भी तुम्हारा घर नहीं था, यहाँ भी सारा दिन गत्ते पे लकीरें खींचती रहती हूँ। जवाब में मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगी कि तुम अपने साथ ठीक नहीं कर रही, तो जाके शिकायत लगा दो ना मेरी मैडम से। मुझे ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोग बहुत सी चीजें जरूरत के बगैर करते हो। तुमसे बहस करना फजूल है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम बहुत मुझसे फौरन जाके चुगली लगाओगी मैडम फारूक को, इसीलिए मैं तुम्हें देखा था। जलने वाले अगर ना जले तो महंगी चीजें खरीदने का क्या फायदा? जुदा हुए तो जुदाई में ये कमाल भी था, उससे राब्ता टूटा भी था बहाल भी था। इमा बेटा आप बताओ क्या कहने आई थी तुम मुझे? अतिया खाला की कॉल आई थी। अतिया की कॉल आई थी, सब खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है अम्मी, यही बात मैं आपसे करने आई थी लेकिन आप सफिया फूफो की बात लेके बैठ गई। हुआ क्या बेटा, जल्दी से बताओ। नूर की बदतमीजियां और हमाकतें खत्म नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही। अब क्या किया है नूर ने? किया नहीं कर रही है वो। क्या चाहती है ये लड़की मेरी समझ से बाहर है, और आप एक कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं होते। माँ बेटा तुम ये बात अब्बू के सामने मत करना। अब्बू से क्या बात करनी है हमें? आप जाके नूर को समझाने की कोशिश करें, वो के फायदा कोई नहीं होगा। मैं जाऊंगी भी और फायदा भी होगा। मैंने अतिया को मना भी किया था कि नूर से कोई बात ना करें, जो उसका भला चाहता है वो उसी का बुरा करती है।